जी व्यूअर्स, हल्दी का, हल्दी जो है मैंने इसमें चार डाली, देखिए मैं इसमें लहसुन अदरक डाल ली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स आज मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल, जो है गर्मियों की ख़ास रेसिपी और ये मेरी अम्मी की स्पेशल रेसिपी है। तो चलिए मेरे साथ आज बनाते हैं कढ़ी चावल। घर में इस वक्त आई हुई है मेरी छोटी बहन और कान पड़े आपको आवाज़ समझ नहीं आएगी, कोशिश करते हैं कि आपको जो है फिर भी कढ़ी चावल की रेसिपी बता दें। चलिए आइए बनाते हैं। जी व्यूवर्स ये देखिए, देख के समझ गए होंगे, ये है दही और ये है बेसन। तो व्यूवर्स मैं आज बनाने जा रही हूँ कढ़ी चावल। दिल चाह रहा था कढ़ी चावल खाने का, तो मैंने लिए है दही, डेढ़ पाव दही। आधी रेसिपी मैंने शुरू कर दी, सोचा वीडियो ही बना लूँ, तो मैंने लिए है डेढ़ पाव दही। और ये देखिए बेसन मैं लेकर आई हूँ अभी, और मैंने इसमें डाला है डेढ़ पाव बेसन, डेढ़ पाव दही, और अभी हरी मिर्ची मैं इसमें डाल रही हूँ तोड़ तोड़ के, चार पाँच हरी मिर्ची डालनी है। नमक मैं हिसाब से ले लीजिएगा आप लोग, नमक डालूंगी, कड़ी पत्ता रुको, इस पर डालेंगे हम एक प्याज, ये मैंने ले ली है, और इसे बारीक बारीक काट कर डालेंगे। हिला बहुत रहे थोड़ा ऊपर करो, स्टॉप कर दो प्याज। पहले डालूंगी हल्दी, क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा ली क्योंकि ये है कड़ी और हल्दी इसमें थोड़ी ज़्यादा लगती है। अब गाइस इसमें है नमक, हल्दी, बेसन, हरी मिर्चे, कड़ी पत्ता और प्याज, और इसमें मैं डालूंगी लहसुन अदरक, और मैं इसमें डालूंगी पिसी हुई लाल मिर्च, लेकिन मैं एंड में डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी। आप शुरू में भी डाल सकते हैं, मुझे फीकी कड़ी भी चाहिए थोड़ी सी बच्चों के लिए, तो इस वजह से मैं कड़ी में इसी में से एंड में डालूंगी। अभी सबको मैं मिला लूँगी। गाइस देखिए मैं इसमें लहसुन अदरक डाल ली, आप चाहे तो पुदीना या धनिया दोनों में से कोई एक चीज़ डाल सकते हैं, मेरे पास अगर धनिया अवेलेबल है, पुदीना मैं लाना भूल गई हूँ, तो मैं इसमें डालूँगी धनिया। शोर क्यों करें जी व्यूअर्स, हल्दी का, हल्दी जो है मैंने इसमें चार चमचे डाले, ये देखिए ये वाले। जी व्यूअर्स मैंने इसमें जो हल्दी के चार चमचे डाले, कलर आ नहीं रहा था तो हल्दी के मैंने चार चमचे इसमें ऐड किए हैं, और पिसा हुआ धनिया भी मैंने इसमें जो है ये एक चम्मच पिसा हुआ धनिया मैंने इसमें ऐड किया है। उन सबको अच्छी तरह मैंने जो है ये मैंने चम्मच अच्छी तरह सबको मिला लिया है। अभी तक मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड नहीं करी है, वो मैं बिल्कुल एंड में डालूंगी, आप शुरू में भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन मुझे थोड़ी फीकी कड़ी भी चाहिए इसलिए मैं अभी नहीं डाली। अब इसमें जो है मैं एक जग पानी डालूंगी, यहाँ तक हो जाए। ये देखिए सब कुछ मैंने इसमें ऐड कर लिया है सिवाय पिसी हुई मिर्चों की, आप शुरू में डाल सकते हैं लेकिन मैंने नहीं डाला, मुझे फीकी कड़ी थोड़ी चाहिए थी। ये सब हमने चढ़ा दिया, उबाल आएगा और इस पर चमचा चलाते ही जाएंगे जब तक उबाल ना हो। तो हमें रखते हैं इसे चूल्हे पर, चलिए मेरे साथ आइए। मैंने जला दिया है तेज आंच, जी व्यूअर्स मैंने तेज आंच में थोड़ा जला दिया, उबाल आने तक मैं उसे चमचा चलाती रहूंगी, और जब उबाल आ जाएगा फिर हम आँच इसकी हल्की कर देंगे, लेकिन आप चमचा चलाती रहें वरना जो है कड़ी जो है नीचे से जलने लग जाएगी। चमचा को आप थोड़ी थोड़ी देर में चमचा को चलाना ज़रूरी है, अगर तो हमारी कड़ी में उबाल आता है, मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस इसमें देखिए बॉयल आ चुका है, और अब आँच हल्की कर दी है मैंने, अब हल्की आँच में से बिल्कुल चमचा चला जी व्यूअर्स, हमारी जो है कड़ी हो गई तैयार, और फीकी कड़ी हमने इसमें से निकाल ली है, तो लाइट तो खोलो।
व्यूअर्स, हम नमक थोड़ा इसमें और ऐड करेंगे, नमक मुझे कम लग रहा है। जी व्यूअर्स, ये मैंने पकौड़ों का मिक्सचर बना के रख लिया, जो अमूमन हम जो है पकौड़ों के लिए बनाते हैं। प्याज, हरा धनिया, पिसी हुई मिर्चे और नमक, जीरा और सोडा है थोड़ा सा, और ये मैंने बना लिया बेसन में पकौड़ों का जो है मिक्सचर। अब पकौड़े बनाते जाएंगे और कढ़ी में हम ऐड करते जाएंगे। बिस्मिल्लाह। इतना तो तुझे भेजा था, मैं खुद ना चली जाती। चले मैंने पक जाए उसमें डालते दिखा देना। देखिए व्यूअर्स, ये पकौड़े जो है पक रहे हैं और हमने जो कढ़ी में थोड़े पकौड़े ऐड कर दिए हैं। बस हमारी कढ़ी जो है कुछ ही देर में इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। बस जी व्यूअर्स, देखिए कढ़ी चावल हो गए तैयार। और आप इसे जो है अपने घर में बनाइए, हमें बताइए कैसी लगी आपकी रेसिपी। हम तक ले दिलों को सब बहुत खा लगेगा। तब तक बाय बाय।